मायावती देवेगौड़ा के प्लान से क्यों परेशान है कांग्रेस? कांग्रेस के खिलाफ बीएसपी जेडीएस ने कौन सा प्लान बनाया है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने वाली जेडीएस और बीएसपी अब लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन करने के मूड में है। बताया जा रहा है कि गठबंधन की ये कोशिशें कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी हैं। जाहिर है, अगर मायावती और एचडी देवेगौड़ा लेफ्ट पार्टियों को अपने पाले में लाने में कामयाब होते हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए जोर का झटका हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक जेडीएस जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो मायावती यूपी उपचुनाव को लेकर लेफ्ट पार्टियां सीपीएम और सीपीआई पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि बीजेपी और कांग्रेस एसपी गठबंधन से मुकाबला करने के लिए मायावती ने बकायदा आरएलडी नेता अजीत सिंह को गठबंधन का प्रस्ताव भी भेज दिया है। मायावती और जेडीएस ये प्रयास ऐसे समय में कर रही है जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ये शक जताया है कि बीजेपी अपने खिलाफ बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए काम कर रही है। हालांकि जेडीएस बीएसपी कैंप ने ऐसी किसी भी आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों दलों का कहना है कि ये गठबंधन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है और इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। उधर सीपीआई और सीपीएम ने इस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी राज्य के अपने नेताओं को दे दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जेडीएस बीएसपी भले ही लेफ्ट पार्टियों को अपने खेमे में लाना चाहती हो, लेकिन लेफ्ट पार्टियां इस गठबंधन को लेकर सहज नहीं है। लेफ्ट के नेताओं को ये आशंका है कि अगर कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा हुए तो जेडीएस पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने से भी गुरेज नहीं करेगी। जाहिर है, कर्नाटक विधानसभा के साथ ही यूपी की फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीएसपी जेडीएस की ये रणनीति कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है। यही वजह है कि मायावती और देवेगौड़ा के इस प्लान ने कर्नाटक और यूपी में कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।